अस्सलामुअलैकुम माई वाई टी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मैं यहाँ पर जा रही थी अपनी अम्मी के घर, दुआ की नानों के घर। दुआ और मैं, हम दोनों जा रहे थे क्योंकि जो बेटा है मेरा वो उधर गया हुआ था स्कूल से, तो उसको लेने जा रही थी। और बाकी बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, मोहम्मद उधर था तो मोहम्मद को लाना था मैंने। तो यहाँ पर जो है दुआ वाक करते हुए, और मैंने सोचा मैं यहाँ से ही व्लॉग का स्टार्ट कर लूँ। और बताइए आप सब कैसे? अच्छा जी, यहाँ पर मैं मम्मी के घर पहुँच गई थी, और ये मेरे घर में कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत शोर मचा रहे थे ये, और बहुत बड़ी रौनक होती है इनकी वजह से मम्मी के घर में। बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं इन्हें। तो मैं बैठी हुई थी उधर, इनकी आवाज़ आई तो मैंने इनका जो है ना थोड़ी वीडियो बनाई। मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोग उसे शेयर करूँ। और फिर जी हम लोग यहाँ से छत पर चले गए थे, तो अम्मी ने पौधे लगाए हुए थे बहुत प्यारे प्यारे, लेकिन जो है ना बहुत सख्त गर्मी होने की वजह से इनके सारे लीव्स जो हैं जल कर झड़ गए थे। और ना मेरी अम्मी को बहुत शौक है घर में पौधे लगाने का, और मेरे अब्बू का भी जो है ना ये हॉबी थी। और बहुत बड़ा गार्डन था हमारा गाँव में जो कि खुश्क हो गया इसी वजह से कि हम लोग शिफ्ट हो गए थे, तो जो गार्डन था वो ख़राब हो गया था खुश्क होने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से जो है ना इसी तरह सूख गया था। और यहाँ पर भी देखें, पानी की कमी की वजह से और शदीद गर्मी की वजह से पौधों का ये हाल हो रहा है। और ये बड़ी प्यारी सब्जियाँ लगाई हुई थी अम्मी ने, और बहुत प्यारे पौधे बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे एक टाइम, लेकिन आज मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि इतने प्यारे पौधे जो है ना इतनी जल्दी ख़राब हो गए। और लेकिन मेरी अम्मी जो है ना इनकी केयर बिल्कुल बच्चों की तरह करती हैं बहुत ज़्यादा। और देखें सूरज सामने से किरणें पड़ रही हैं, और इसकी वजह से ही और इनके घर में पानी भी थोड़ा कम हो गया है, तो जिसकी वजह से पौधों का ये हाल है। और गर्मी जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आजकल, और बहुत शदीद किस्म की धूप थी इस टाइम जी। यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, और ये मेरी अम्मी के ना कुछ जहेज़ के बर्तन थे, कुछ तो ख़राब हो गए थे, टूट चुके थे, और कुछ ये बहुत पुराने, माशाल्लाह अम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखे हुए थे। इतनी केयर करती हैं वो इन बर्तनों की, छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखती हैं। और ये एक साइड पे जायनमाज, और ये कुछ बर्तन रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो हमने यहाँ से हटा दिया। अम्मी को फूल बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये पूरी अलमारी आर्टिफिशियल फूलों से भरी हुई थी जो कि हमने हटा दिए। देखिए मेरी बेटी के काम, ये ज़रा सा इधर उधर हो जाओ तो इनके काम चेक करें। क्या कर रही हो हैं? ये क्या किया है? खड़ी हो, ये क्या किया है? ये क्या है? इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, बदतमीज, इधर देखो, ये क्या किया है? हैं? उल्टे उल्टे काम करती हो, हर दिन इसका कोई ना कोई जो है ना, अब क्या हो रहा है? ये दुआ मैडम देखें छुप के कहाँ बैठी है, टॉफी खा रही है। ये भैया से छुप के क्या कर रही हो हैं? क्या कर रही हो इधर हैं? क्या खा रही हो? टॉफी खा रही हो, टॉफी खा रही हो, मुझे दोगी हैं? भैया को दोगी? नहीं क्यों? आप खाओगे? अच्छा मैं खाऊंगा, आप खाओगे? आप कोई लड़के हो, लड़की हो? दो मुझे, दो दे दो मम्मा हूँ ना, बस आपकी मम्मा नहीं हूँ मैं, जाओ मैं नाराज हो गई। कट्टी कट्टी नाराज हो गई हूँ मैं, टॉफी दो दे दो। चलो खाओ खाओ, इधर देख के खाओ मेरी तरफ। भूखी 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 दुआ भूखी दुआ भूखी बैठी हो है? ये इसके काम है, बस जो चीज़ मिलती है छुप के खाती है, किसी को देती नहीं है। मेरी बेटी बहुत भूखी है ना? हेलो भूखी हो ना? गंदी बच्ची हो। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में,
और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।